हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, जे जे टी वी के साथ मैं हूँ महामदरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं फेडरल बी एरिया की एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ, एक ऐसी बिरयानी की शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ हैं जो साथ मिलकर इस शॉप को चला रहे हैं। मज़े की बात तो यह है कि ये दोनों साथ मिलकर खाना पकाते हैं, बिरयानी पकाते हैं, और दोनों ही साथ मिलकर यहाँ पर बिरयानी को सेल आउट करते हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे ये चीज़ माइंड में आ गई। और सबसे स्पेशल चीज़ मैं आप इसमें ऐड करती चलूँ कि जो यहाँ पर जाहिद भाई हैं वो एक इराक में 10 साल आईटी जो है ना आईटी काम से रिलेटेड काम करते रहे हैं। तो ये भी जानेंगे वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ कि इराक छोड़कर आईटी का बिज़नेस छोड़कर कराची में आके एक बिरयानी का स्टॉल खोल लिया। तो आइए चल सक मेरे साथ जाहिद भाई और अफशा भाभी मौजूद हैं और उनकी बेटी ईमान भी मौजूद है जिसके नाम पर उन्होंने अपनी ये शॉप ओपन करी है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे ख्याल आया कि एक जो है ना फूड स्टॉल लगाना चाहिए, एक बिरयानी का स्टॉल लगाना चाहिए, क्या ऐसी वजूहत बनी जो नौकरी को पीछे करके कारोबार की तरफ जो है वो कदम आगे बढ़ाया। ज़ाहिद भाई बताइएगा, क्या ऐसी वजूहत बनी थी जो नौकरी को पीछे करके कारोबार की तरफ दिमाग चला गया? 25 साल का आईटी का एक्सपीरियंस था, ठीक है, जॉब पे था मैं, अभी लास्ट ईयर ही मेरी जॉब ख़त्म हुई। कोशिश की मैंने कि वापस जॉब मिले क्योंकि मैं बाहर था, यहाँ था नहीं, और एक अच्छी सैलरी थी मेरी। अब पाकिस्तान के हालात आपको पता ही हैं। यहाँ आने के बाद मैंने जब जॉब दोबारा से तलाश की अभी, तो मतलब बहुत इनिशियल स्टेज से ले रहे थे फिर, ठीक है, तो नहीं समझ में आई मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं ऑलरेडी 4+ 5+ पे था वहाँ पर इराक में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आके वो कह रहे हैं जी 40,000 में आ जाएँ, 50,000 में आ जाएँ, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। 2-3 महीने तो कोशिश करता रहा कि मिल जाए अच्छी, कहीं पे ऑफ़र आ जाए, कहीं से नहीं हुआ तो फिर एक इरादा था। वैसे भी इस काम का मेरा इरादा था कि जब मैं इराक में था तो ये सोचा हुआ था कि एक ना एक रेस्टोरेंट खोलूँगा अपना, ठीक है, पाकिस्तान में। मैं वहाँ रहते हुए इरादा था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ रहते हुए तो इसका मौका नहीं मिल सका। और अचानक से जब जॉब ख़त्म हुई तो फिर जब सर पर आके पड़ी तो मैंने यही सोचा कि अब यही काम शुरू करते हैं, जब जॉब नहीं मिल रही थी कहीं पर, तो बस इसी तरह से इसका इरादा किया और फिर ओपन किया उसको रमज़ानों में। इराक में कितना अर्सा रहे हैं आप? 10 साल। 10 साल वहाँ पे आईटी का ही काम कर रहे हैं? 10 सालों से मैं आईटी का ही काम कर रहा था वहाँ पे। और कराची में भी आके आपने इसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश की? बिल्कुल, ज़ाहिर है पहले पाकिस्तान में मैं आईटी ही से रिलेटेड यहाँ पर जॉब कर रहा था, एक ISP में था, फिर PTCL में जो है वो तकरीबन 5-6 साल PTCL में रहा हूँ, DSL इंचार्ज था गुलशन एक्सचेंज में, वहीं से फिर मैं इराक गया था, इराक की अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास। अभी कैसा रिस्पॉन्स है कस्टमर्स का, गुजर बसर वाला है या फिर अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि पहले शुरू के दो तीन महीने तो ब्रेक इवन पे ही निकले, बिल्कुल ठीक है ना। लास्ट मंथ से ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है जी, बिल्कुल। अच्छा भाभी, आप बताइएगा कि आपने भी इनके साथ ज़िंदगी गुजारी है, 17 साल आपकी शादी को हो गए और 17 साल आपने जो है वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल देखा है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली इशूज़ बहुत कम ही आए होंगे, फिर एकदम से इनकी जॉब का जाना और फिर इस तरह के जो है ना क्राइसिस से गुजरना कि जॉब नहीं है, फिर एक कारोबार की तरफ आना, कितनी ये सारी चीज़ों में कितने ज़्यादा जो है ना मुश्किलात आपको पेश आए? शुरू में तो काफ़ी कुछ मुश्किलात नहीं थी, मगर अब जैसे जैसे आगे टाइम आता जा रहा है थोड़ा मुश्किलात हो रही हैं बिल्कुल। पर पहले हम लोग कोई मसला नहीं था किसी भी चीज़ के अंदर, अब काफ़ी देखभाल के सारा खर्चा करना पड़ता है, सब देखभाल के सब कुछ करना पड़ता है, पहले तो ऐसा कोई इशू नहीं था, मगर अब है काफ़ी मुश्किलात का सामना। अब ये है कि कस्टमर रेशो भी उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं है उतना ज़्यादा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6-7 महीने में इतना होगा, इतना है नहीं अभी। अच्छा, बिरयानी के लिए ही क्यों सोचा? हालांकि बहुत सारे जो है ना वो फूड्स हैं जो स्टॉल पे चलते हैं आजकल, चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रीट फूड पर लगा हुआ होता है, और नॉर्मल चीज़ें होती हैं, रोल समोसे होते हैं, हलवा पूरी, 10 तरह की चीज़ें खाने के आइटम होते हैं, बिरयानी की तरफ माइंड क्यों गया? बिरयानी मेन है, इसके अलावा हमारे पास फास्ट फूड भी अवेलेबल होता है जो शाम 7:30 बजे के पास है। अच्छा। जिंगर हैं, रोल्स हैं, सैंडविचेस हैं, शामी कबाब वगैरह भी हैं हमारे पास, वो सब आप लोग खुद ही बनाते हैं? जी, ये सब हम खुद ही बना रहे होते हैं दोनों मिलकर। उनकी जो है ना क्या प्राइस वगैरह रखी हुई है आप? डिफरेंट प्राइसेस हैं, जिंगर चीज़ है, जिंगर प्लेन है,
और डबल जिंगर है, ये सारे सबके डिफरेंट डिफरेंट 250 से स्टार्ट है जिंगर। जी अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है वो क्या चीज़ सेल आउट हो रही है, कस्टमर का सबसे ज़्यादा रुझान किस चीज़ की तरफ है? बिरयानी की तरफ। बिरयानी की तरफ। चिकन शामी कबाब। क्या क्या स्पेशल है इसमें? चिकन शामी कबाब, इन दोनों चीज़ों में। बिरयानी में ये स्पेशल है, ये हमारे अपने घर के मसालों से बनी हुई बिरयानी होती है और ये जो हम घर में खुद पीस के बनाते हैं मसाले। सही। और शामी कबाब भी आप लोग घर में ही तैयार करते हैं? ठीक है। अभी ये कि क्या जो इनकम हो रही है शॉप से, वो उससे क्या कहती हैं कि गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है, या अभी सैलरी लगी बंदी आती थी उसमें और एक अब कारोबार है, कभी ज़्यादा कमाई हो रही है कभी कम कमाई हो रही है, तो क्या आप इसमें ज़्यादा मेजर फ़र्क देखती हैं, डिफरेंस देखती हैं? जब ये जॉब कर रहे थे तो माशाल्लाह सैलरी बहुत अच्छी थी। अब ये है कि जो ये काम हमने शुरू किया है इसमें सिर्फ इस शॉप का रेंट और बिल ही पे हो पाता है। घर में तो अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं जा रही है कि हम कह सकें कि हमारे घर के खर्चात पूरे हो रहे हैं। और ये शॉप का रेंट, ये रेंट पर है शॉप? जी ये रेंट पर है शॉप। ठीक है। और रोज़ की कितनी देगे सेल आउट हो रही हैं? 2 देगे हैं अभी। ठीक है। और उसमें आपने प्राइस कोस्ट रखी हुई है 150 जो है ना, हाफ के जी की, नॉर्मल है बिल्कुल, कोई ना ये बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली अब तो 180 तक की जो है ना वो बिरयानी सेल आउट हो रही है। अच्छा, कस्टमर्स को जो है ना ये बिरयानी इतनी ज़्यादा पसंद क्यों आती है, क्या रिव्यूज़ देते हैं वो, क्या कहते हैं बिरयानी खा के? कस्टमर के रिव्यूज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, बहुत कहते हैं बहुत टेस्टी बिरयानी है आपकी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग बिरयानी के प्राइस बढ़ा दें तो हम उसमें भी, हमें कोई इशू नहीं है, हम उसमें भी परचेज़ कर लेंगे। बल्कि 2-3 दिन पहले कस्टमर आए थे, वाकई यही कह रहे थे कि आपकी 150 अभी तक 150 है, बढ़ाए नहीं पैसे, कह लेंगे 180 तक भी अगर ले गए तो हम उसमें भी परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, यूट्यूब पर जो है वो आपकी बड़ी वीडियोज़ जो है ना वो चल रही हैं, सबसे पहले जो है वो कौन सी वीडियो आपकी चली और कौन से चैनल पे जो है ना वो किसने बनाई? फूड स्टेप के नाम से है, यहीं पर एक लड़का है, यूसुफ नाम है उसका। वो मतलब बहुत दिन तक आता जाता रहा, देखता रहा मुझे, फिर उस दिन एक दिन हिम्मत करके आके वो आया मेरे पास, कह लगा भाई बात करनी है आपसे। मैंने कहा बताया, कह लगा यार हम लोग व्लॉग्स वगैरह करते हैं यूट्यूब पर, इस नाम से हमारा चैनल है, तो अगर माइंड ना करें आप तो एक वीडियो बनाकर डालना चाहता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले वो उनके चैनल से मेरी वीडियो ऑन एयर हुई थी, फूड स्टेप के नाम से, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, जिसके मेरे ख्याल से फेसबुक पे तो शायद 35K व्यूवर्स हैं। सही। व्यूअरशिप है उसकी। अच्छा, अभी तो काफ़ी सारे लोगों ने बना लिए हैं वीडियोस। यूट्यूब की वीडियोस बनने के बाद क्या कहते हैं, रिस्पांस में कोई फ़र्क आया? आया है, रिस्पांस में फ़र्क आया है, कस्टमर्स की कॉल्स बिल्कुल मेरे पास आ रही हैं, आके वो बता रहे हैं मुझे कि जी आपकी वीडियो देखी थी, कहाँ आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, लोकेशन पूछते हैं, तो ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी को भी आपसे ऑर्डर पे बनवाना हो तो आप ऑर्डर पे तैयार कर देते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ कि मुहर्रम गुजरे हैं, इससे पहले रमज़ानों में भी ऑर्डर लिए बहुत, और शादी ब्याह के इवेंट भी किए हैं काफ़ी, 2-3 इवेंट भी किए हैं कंप्लीट। ठीक है। और मतलब अगर किसी को ऑर्डर देना है तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरा नंबर भी मौजूद है, और गूगल के ऊपर भी मेरी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, ऑर्डर दे सकते हैं बिल्कुल। फ्रेंड से आपको ऑर्डर देता है 5-6 देगों का या 3 देगों का भी, तो उसको क्या आप डिस्काउंट देने वाले हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? वो तो उस वक्त के हिसाब से देख के पता चलेगा, क्योंकि देखें रेट चीज़ों के ऊपर नीचे होते रहते हैं, खास तौर पे ज़ाहिर है अगर बिरयानी चिकन के तो उसमें चिकन के रेट बहुत ऊपर नीचे होते हैं। मतलब आप ये वादा करते हैं कि आप डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दोनों मियां बीवी कैसे एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, इस वक्त हालात कैसे भी हो मैटर नहीं करता, बस आप एक दूसरे का साथ हैं यही काफ़ी होता है। तो सपोर्ट करें दोनों को, अगर किसी को अपना कोई ऑर्डर बनवाना हो बिरयानी का तो बिरयानी का ऑर्डर भी दे सकते हैं आप लोग, बाकी यहाँ पे आके ट्राई भी करें बिरयानी। अब मैं भी जा रही हूँ बिरयानी खाने के लिए, इतनी बातें हो रही हैं कब से बिरयानी की, अब खा के भी देखूँ कि क्या बिरयानी का टेस्ट है।